दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां पर लव बाजार लगता है। वहीं बौद्ध जनसंख्या में ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही इस देश में सनडोंग गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। मेल टूरिज्म की एक बड़ी संख्या हर साल इस देश में विजिट करती है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है यहां की रातों का रंगीन होना। और इस देश में देह व्यापार गैर कानूनी है। साथ ही यह देश भारत का बहुत बड़ा सहयोगी देश कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस छोटे से चैनल फैक्ट मिलूस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम वियतनाम है। वहीं इस देश का आधिकारिक नाम है वियतनाम समाजवादी गणराज्य। यह दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित बेहद ही कमाल का देश है। वहीं इस देश की राजधानी का नाम हनोई है। साथ ही यहां का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी है। यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस 2 सितंबर को मनाता है, जो 2 सितंबर 1945 को फ्रांस से आजाद हुआ था। वियतनाम का कॉलिंग कोड +84 है। साथ ही यहां पर यातायात चलाने की दिशा राइट साइड है। और वियतनाम की राजभाषा वियतनामी भाषा है। जब वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था तब इसे अन्नामी कहा जाता था। वियतनाम में चलने वाली मुद्रा का नाम डोंग है, जो भारत के 0.0033 पैसे के बराबर है, जो भारत के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, जो कुल आबादी का 84% है। वहीं बौद्ध जनसंख्या में ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वियतनाम में प्रति व्यक्ति आय $7,910 है। दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 12 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही इस देश में सनडोंग गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है, जिसे साल 1991 में खोजा गया था। इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। साथ ही वियतनाम की साक्षरता दर 94% है। इस देश के झंडे में किसानों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों, युवाओं और सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुनहरा सितारा है और लाल रंग युद्ध के दौरान रक्तपात को समर्पित है। वियतनाम में लव मार्केट का त्योहार नामक एक कार्यक्रम है, जो हर साल मनाया जाता है। इस मार्केट में लड़का और लड़की अपने मन पसंद के साथी को चुनकर खूब मौज मस्ती करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि वियतनाम में देह व्यापार गैर कानूनी है, फिर भी इस देश में लगभग 70,000 महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई है। वियतनाम ने एक युद्ध में अमेरिका को हराया था और यह युद्ध 20 सालों तक चला था, जिसमें लगभग 3,00,000 लोग मारे गए थे। दोस्तों वियतनाम काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस देश में बेरोजगारी की दर दुनिया के सभी विकासशील देशों से बेहद ही कम है। वहीं इस देश में कछुए को स्वास्थ्य और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। वियतनाम को अपनी नाइट लाइफ के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। मेल टूरिज्म की एक बड़ी संख्या हर साल इस देश में विजिट करती है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ की रातों का रंगीन होना, जिसमें लोग रात भर पार्टी करते हैं और महिलाओं के साथ कुछ पैसे खर्च करके आनंद भी उठाते हैं। दूसरी वजह ये भी है, अन्य देशों के मुकाबले यहाँ की करेंसी बहुत ही कमजोर है। इसी कारण लोग कम पैसों में भी यहाँ आकर अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। यह देश जितना कमाल का है और इस देश की प्राकृतिक सुंदरता उससे भी ज्यादा कमाल की है। पहाड़, पर्वत, नीले आसमान, हरे भरे जंगल और यहाँ के समुन्दर आपका मन मोहित कर लेंगे। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह देश 3,31,212 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं यह देश क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व भर में 66वां स्थान रखता है। साथ ही इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की कुल आबादी 9,82,000 के आसपास है, तथा यह देश जनसंख्या के हिसाब से विश्व भर में 15वें स्थान पर है। आओ दाई वियतनाम का परंपरागत पहनावा है, इसे यहाँ के लोग किसी खास अवसर पर पहनते हैं। वियतनाम की सीमाएं उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको वियतनाम का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी नई वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।